हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78th सेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर को रिलीज किया गया। ये WHO का फर्स्ट एवर रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड में, जिसमें कि हाइपरटेंशन के इम्प्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। हाइपरटेंशन को कॉमनली हम लोग हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं इस WHO के रिपोर्ट के। हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट के कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं। तो जो हाइपरटेंशन है वो एक तरह का ग्लोबल एपिडेमिक है। WHO के द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड 3 में से 1 एडल्ट हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है 1990 के कंपेयर में 2019 में जो हाइपरटेंशन के केसेस होते थे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1990 में मात्र 650 मिलियन केसेस थे, जो कि 2019 में 1.3 बिलियन ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इस WHO के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो 30 से 79 ईयर्स के बीच के एडल्ट्स हैं, जो कि परसेंटेज में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 33% होता है, वो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 में से 4 पीपल जो कि हाइपरटेंशन से, जिनका कि हाई ब्लड प्रेशर है, वो उनका ट्रीटमेंट एडिक्वेटली नहीं किया जाता है। मीन्स 5 में से सिर्फ 1 ही पीपल हैं जो कि अपना हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट एडिक्वेटली करा पाते हैं। तो ये हो गया ग्लोबल लेवल पे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया लेवल पे, इंडिया का हाइपरटेंशन बर्डन के बारे में। बताया जाता है इंडिया में वैसे एडल्ट जो कि 30 से 79 ईयर्स के एज में हैं, तो 188.3 मिलियन एडल्ट हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। अगर ग्लोब से कंपेरिजन करें तो पूरे वर्ल्ड में 1.3 बिलियन पीपल्स हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और अकेले इंडिया में ही देखें तो 188.3 मिलियन सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो इंडिया में जो हाई ब्लड प्रेशर प्रिवेल कर रहा है वो ग्लोबल एवरेज से स्लाइटली लोअर है। अगर ग्लोबल एवरेज का बात करें तो 31% है, तो इससे इंडिया 31% से कम लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया को 50% हाइपरटेंशन के केसेस से नीचे रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 67 मिलियन पीपल्स को हाइपरटेंशन के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना होगा। और यदि यह सिनेरियो अचीव हो जाता है तो हम लोग 2040 तक लगभग 4.6 मिलियन डेथ्स अवॉइड कर पाएंगे जो कि हाइपरटेंशन के कारण होने वाले थे। थर्ड बात करते हैं इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की। तो अबाउट 80% ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं वो किसी भी तरह का एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। यदि ग्लोबली बात करें तो यदि हम लोग इफेक्टिव हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट दे पाते हैं तो 2050 तक 76 मिलियन डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वहीं 120 मिलियन स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं और 79 मिलियन हार्ट अटैक को और 17 मिलियन हार्ट फेल्योर के केसेस को ट्रीट अवॉइड कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। WHO के इस रिपोर्ट में नेक्स्ट डिस्पैरिटीज इन ट्रीटमेंट कवरेज को भी हाईलाइट किया गया है। तो हाइपरटेंशन के केसेस को ट्रीटमेंट को लेकर कंट्रीज़ के अमंग डिस्पैरिटीज देखे जाते हैं। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर मोर फेवरेबल कवरेज रेट है, वहाँ के लोग हाइपरटेंशन से बहुत कम जूझ रहे हैं। वहीं डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। WHO के द्वारा बताया गया है USA में 60% ऑफ कवरेज रेट है हाइपरटेंशन के। वहीं अफ्रीका में बात करें तो मात्र 27% है, जो कि बहुत ही कम है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोर देन 3/4 एडल्ट जो कि हाइपरटेंशन से शिकार हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट। इसमें बताया जा रहा है नियरली 30% ऑफ इंडिविजुअल अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बहुत ही ज़्यादा है और इन लोगों को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है। ग्लोबली बताया जा रहा है
वैसे एडल्ट जो कि 30 से 70 ईयर्स के बीच में है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो दवाई होता है उसका भी संख्या डबल हुई है। 1990 में हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जो मेडिसिन है वो 22% लोग लेते थे, जो कि 2019 में यह आंकड़ा 42% ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और जो हाइपरटेंशन के लिए जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट कवरेज है वो लगभग 4 गुने तक सेम पीरियड में बढ़ गया है, जो कि बढ़कर 21% हो गया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं WHO के कॉल टू एक्शन के बारे में। तो WHO के द्वारा हाइपरटेंशन के लिए प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन को प्रायोरिटाइज करना है एज पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस। अब चलिए हम लोग समझते हैं हाइपरटेंशन को लेकर WHO के द्वारा कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। तो सभी देशों को हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो कि अभी अंडर प्रायोरिटाइज है और अंडर फंडेड है। गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी नहीं दे पाती और इसमें सही से फंड एलोकेशन भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में और लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। और सेकेंड है, हाइपरटेंशन कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना हर एक कंट्रीज़ का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टुवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इंडिया में एक नज़र हाइपरटेंशन प्रोफाइल के बारे में देखें तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का अगर 2019 में बात करें तो 1,38,30,00,000 लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, जिसमें 2019 तक डेथ का बात करें 1990 से 2019 के बीच में तो 91,71,000 लोगों का डेथ ड्यू टू हाइपरटेंशन देखने को मिला है हमारे देश में। वहीं मेल और फीमेल का रेशियो का बात करें तो मेल में 32% वहीं फीमेल में 31% देखने को मिलता है। वहीं एवरेज का बात करें तो 31% हमारे कंट्री का हाइपरटेंशन एवरेज है। वहीं प्रीवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन ग्लोबल कंपेयर से कंपेयर करें तो ग्लोबल में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया के कंपेयर में। और 50% कंट्रोल रेट को अचीव करने के लिए 67 मिलियन पीपल्स को इफेक्टिवली ट्रीटमेंट देना होगा। वहीं डायग्नोसिस का बात करें तो लगभग 77% इंडिया में लोग डायग्नोसिस करवाते हैं, जिसमें कि मेल डायग्नोसिस कम देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 32%, वहीं फीमेल डायग्नोसिस 42%। वहीं ट्रीटमेंट का बात करें तो लोग 30% ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेल में 25% और फीमेल में 35% और 15% कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं, मेल में 11% और फीमेल में 19% के अप्रोक्स। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ट्रेंड्स का बात करें, वैसे एडल्ट जो कि 30 से 79 इयर्स के बीच में है तो ये पास्ट ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं और ये प्रोजेक्टेड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लगातार घटता चला जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन लगातार घटता चला जा रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहीं हाइपरटेंशन कंट्रोल रेट सिनेरियो का बात करें तो यदि जो एम है गवर्नमेंट का WHO के दिया हुआ, अगर वो सिनेरियो अगर अचीव हो जाता है तो हम लोग 2040 तक 4.6 मिलियन डेथ को होने से बचा लेंगे। तो ये एस्पिरेशनल सिनेरियो है इंडिया का और ये प्रोग्रेस है, तो अभी भी बहुत कुछ काम करने का ज़रूरत है। चलिए हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं, जब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक को देखा जाता है 140 और 90 mmHg के, और इससे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग टू हाई ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये 140/90 बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये बहुत सीरियस भी हो सकता है इन फ्यूचर में। तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो 2 नंबर से लिखा गया है, जैसा कि बता चुके हैं, फर्स्ट है सिस्टोलिक। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या बीट करता है तो वो सिस्टोलिक होता है, और जब हमारा हार्ट जो है हमारा रेस्ट करता है और रेस्ट और बीट के बीच में डायस्टोलिक होता है, इसीलिए डायस्टोलिक यूजुअली कम देखने को मिलता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का बात करें तो हर एक साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हाइपरटेंशन को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस फैल सके और इसके प्रिवेंशन को लेकर पीपल इनकरेज हो सके और इस साइलेंट किलर को कंट्रोल भी किया जा सके। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी में वैसा कुछ इफेक्ट इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इमीडिएट इफेक्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये सब के रूप में देखने को मिलता है। चलिए इसमें बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो हाई सॉल्ट डाइट लेने से, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करने से और एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन से
हाइपरटेंशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और उसके जेनेटिक है वो भी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन का कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से हेडेक, ब्लर्ड विजन, धुंधला धुंधला दिखना, चेस्ट पेन और कुछ अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के कौन कौन के से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इससे सेवियर हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, हार्ट फेल्योर, इरेगुलर हार्ट बीट्स एज वेल एज स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। इसके ट्रीटमेंट का बात किया जाए तो इसमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे हमारा खान पान जो होता है उसमें लो सॉल्ट डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए, वेट लूज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए और टोबैको अल्कोहल जैसे चीज़ों को क्विट करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन भी लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए यदि हाइपरटेंशन का सिम्टम्स दिखे तो। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो पहले ग्लोबल इनिशिएटिव का बात करें तो ग्लोबल टारगेट को अचीव करने के लिए 2025 तक 25% हाइपरटेंशन जैसे केसेस को रिड्यूस करना टारगेट रखा गया है, और इसको लेकर WHO और यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव्स 2016 में लॉन्च किया गया था। वहीं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गर्ल डेवलपमेंट गोल के SDG गोल 3 का बात करें तो SDG गोल 3 में इसका एम है हेल्दी लाइफ्स को इंश्योर करना और वेलबींग को प्रमोट करना। वहीं इंडिया में बात करें तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम IHCI को गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ताकि इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से फाइट किया जा सके और प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर ही इसका ट्रीटमेंट हो सके। और इसको लेकर इंडिया का एम है 2025 तक 25 मिलियन पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंशन या डायबिटिक का शिकार है उसको एक स्टैंडर्ड केयर मिल सके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।